हे गाइस, तो आप देख सकते हैं हमारे सामने ओनली बजाज पल्सर 220F है। तो आज हम लोग इसका माइलेज टेस्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कितना दूरी तक चलता है एक लीटर में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और अभी आप देखें जो कि मैं पेट्रोल पंप पे ही हूं, तो सबसे पहले इसको चालू करके देखता हूं, क्योंकि इसका जो भी पेट्रोल था वो मैंने खाली कर दिया है। तो अब मैं चालू करके देखता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये बाइक चालू एकदम भी नहीं हो रहा है। अभी आपने देखा कि बाइक एकदम भी चालू नहीं हो रहा, मतलब कि इसके अंदर जो पेट्रोल था इसके टैंक में वो मैंने टोटली खाली कर दिया है। अब मैं इसमें पेट्रोल डालूंगा आपके सामने ही, उसके बाद मैं इसका माइलेज टेस्ट स्टार्ट करूंगा। उससे पहले आप इसका मीटर देखेंगे, तो मीटर को मैं ट्रिप वन को जो भी है उसे मैं ज़ीरो कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पर देखेंगे जो कि आपको ट्रिप वन कितना 10.7 किलोमीटर चला हुआ है, तो इसे मैं ज़ीरो करता हूँ सबसे पहले। अभी आप यहां से एक चीज़ शायद देख पा रहे होंगे, अच्छे से आपको दिख रहा होगा कि ट्रिप वन मैंने 0.0 किलोमीटर कर दिया, शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब मैं चलाता हूं, उसके बाद आपको मैं यहां पे दिखाने वाला हूं कि कितना दूरी चलता है एक लीटर में, और साथ साथ यहां पे आपको क्या माइलेज दे रही है वो भी इसका मीटर कंसोल में आपको बताने वाला है, तो वो भी पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा से वर्क करता है। तो मैं आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक लीटर पेट्रोल लिया हुआ है, तो इसे मैं आप डालता हूँ, उसके बाद मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लीटर मैं डाल रहा हूँ, पूरा भरा हुआ था इसके अंदर बोतल में। ये आपका एक लीटर इसमें चला गया। अब मैं आपको सामने चालू करके दिखाता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार में चालू हो जाना चाहिए। अब मैं चलना शुरू करता हूँ, ट्रिप वन मैंने ज़ीरो कर ही दिया, एक लीटर मैंने पेट्रोल डाल ही दिया, अब मैं सीधा चलता हूँ। देखिए एक बार में सेल्फ स्टार्ट हो गया, फर्स्ट गियर इंगेज्ड, लेट्स गो। तो गाइज मैं जैसे जैसे इससे आगे चलता जाऊँगा वैसे वैसे मैं आपको मीटर भी दिखाता जाऊँगा कि मैं कितना दूरी तक चला हुआ हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और आपको क्या लगता है कि कितना माइलेज मिलना चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी गाइस देखा जाए तो हम लोग 5.5 किलोमीटर तक चल चुका हूँ, और अभी जो इसमें जो माइलेज बताता है इसके मीटर कंसोल में, उसमें अभी माइलेज कितना बता रहा है पता है आपको? 43 किलोमीटर पर लीटर। आप सोच सकते हैं कितना अच्छा माइलेज दिखा रहा है, बट मैं पूरा अभी चल जाऊँगा इस पर मैं भरोसा नहीं करूँगा। तो एक लीटर जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद आपको रियल माइलेज पता चल सकेगा इस बाइक का। तो अब वीडियो के अंत तक बने रहें, तो अब सीधा मिलते हैं आपसे जहाँ पे भी पेट्रोल ख़त्म होता है, चाहे उससे पहले एक बार और मैं आपको दिखा दूँगा, उसके बाद आपको अच्छे से माइलेज पता चल जाएगा। और अभी तक गाइज हम लोगों ने चल लिया 34 किलोमीटर, और अभी माइलेज दिखा रही 45 किलोमीटर पर लीटर का, और अभी भी पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ है। बट बीच में एक बार छोड़ा था, फिर से मतलब चालू किया तुरंत तो स्टार्ट हो गया। तो अब जहाँ पर भी बंद होता है वहाँ पर आपको मैं अच्छे से माइलेज कैलकुलेट करके बताता हूँ। और गाइज अभी आप देखेंगे तो हम लोग 37.8 किलोमीटर चल चुका हूँ, और एक बार गाड़ी बीच में छोड़ दिया था पेट्रोल, उसके बाद में फिर से स्टार्ट किया था, फिर से स्टार्ट हो चुका था। तो इसे अगर जहाँ पे भी बंद होगा वहाँ पे हम लोग इसका माइलेज टेस्ट क्लियर करते हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पे टोटली बंद हो चुका है, शायद अब ख़त्म हो गया होगा। एक बार मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ, और अभी हम लोगों ने जो चला हुआ है जो कि 38 टोटल किलोमीटर हम लोगों ने 38 चल चुका है, और यहाँ पे आके गाइस हम लोग का पेट्रोल टोटली ख़त्म हो चुका है। और अभी आप यहाँ पे ओडोमीटर देख सकते हैं जो कि 38.5 किलोमीटर चला है, शायद अभी आपको ट्रिप वन में दिख रहा होगा। एक बार मैं आपको फिर से बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है? मतलब कि टोटली ख़त्म हो चुका है। ज़्यादा बार मैं सेल्फ मारूंगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये FI इंजन है, जैसे कि इसका फ्यूल इंजेक्शन है वो ख़राब होने का चांस है। उसके बावजूद भी आपको जो माइलेज मिला वो देख सकते हैं, 38.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा माइलेज मिला है। अभी फ़िलहाल इसका कोई भी सर्विसिंग नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी आपको इतना माइलेज मिल जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। जब सर्विसिंग हो जाएगा उसके बाद आप सोच सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा और भी माइलेज मिल सकता है। मैंने इसे थोड़े से खाली रोड में भी चलाया था, और साथ साथ इसको मैंने सिटी में भी चलाया था, जिससे हो सकता है कि थोड़ा सा माइलेज आपको ज़्यादा मिला हो, तो वो
बहुत ही अच्छी बात है। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज रखते हैं, 38-39 का आपको माइलेज मिल गया जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।